समर समर समर, जैसे समर स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा चेंजेस तो वेदर में होता है, और उसके कारण डॉग ब्रीड को भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप कुछ ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हो जिसके कारण डॉग ब्रीड को बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एटमिक्स की वीडियोज़ आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो समर में आपके डॉग ब्रीड को हो सकती है, और आप थोड़ी सी केयर करके उसे ठीक कर सकते हो। तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको ऐसी न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। यार काफ़ी लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो ज़रूर से कमेंट करके बताया करो यार कि कैसी लग रही है वीडियो, क्या नया लाना चाहिए, कोई और टॉपिक पर चाहिए तो बताया करो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन टिप, योगर्ट को ऐड कीजिए अपने डॉग के डाइट में। योगर्ट यानी दही। दही समर्स में आपके डॉग ब्रीड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वो ठंडा तो होता ही है, साथ साथ डॉग ब्रीड को अलग अलग विटामिन्स के बेनिफिट देता है, उसको खाने को अच्छा बनाता है, टेस्टी बनाता है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो योगर्ट के कारण आपके डॉग ब्रीड को बेनिफिट होता है। इससे ये कोई हार्मफुल भी नहीं है आपके डॉग ब्रीड के लिए, यानी फुल्ली सेफ़ है, आप अपने डॉग ब्रीड को आराम से खिला सकते हो। तो योगर्ट यानी दही आपके डॉग ब्रीड के डाइट में ज़रूर से ऐड कीजिए, इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। नंबर टू, हीट स्ट्रोक अगर आपके डॉग ब्रीड को हो जाए तो कैसे पता लगे? तो सबसे पहले वो ज़्यादा जो हार्ट बीट होगी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, साथ साथ उसकी जो टंग है वो पर्पल कलर की हो सकती है या फिर डार्क कलर की हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो कि आपके डॉग ब्रीड में देखने को तो नहीं मिल रही। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर से वेट के पास आपको ले जाना है। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन। अब समर में ज़्यादातर डॉग ब्रीड में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है कि वो प्रॉपरली पानी ही नहीं मिलता उनको। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये टिप्स फॉलो करनी है कि सबसे पहले उठते ही उसके बाउल में क्लीन वाटर रख देना है, खाने के बाद रखना है, दोपहर को रख देना है और शाम को रखना है। बस चार टाइम आपको चेंज करते रहना है, और वाटर हमेशा क्लीन प्रोवाइड कीजिए। गंदा प्रोवाइड करोगे तो आपको ही तकलीफ़ होगी, क्योंकि डॉग ब्रीड को जैसे ही प्रॉब्लम होगी उसके कारण हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, तो आपको खर्चा भी करना होगा और आपके डॉग ब्रीड को प्रॉब्लम भी होगी। तो ये सब चीज़ों से आप बच सकते हो, सिर्फ आपको उसको अच्छा पानी जो है प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमको खुद को पानी की ज़रूरत होती है समर्स में, तो डॉग को तो होगी। तो डिहाइड्रेशन से आपके डॉग ब्रीड को ज़रूर से बचाए। नेक्स्ट आता है, आपको आपके डॉग ब्रीड को समर्स में कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आप उन्हें दे सकते हो, जैसे कि सबसे पहला है वाटरमेलन। उसकी जो सीड्स है वो रिमूव कर लेनी है, उसके बाद आपके डॉग ब्रीड को आप 5-6 पीसेस आराम से खिला सकते हो। उसमें तो जो 90% वाटर होता है, साथ साथ कई सारे विटामिन्स न्यूट्रिशंस होते हैं जो डॉग ब्रीड के लिए हेल्पफुल ही होते हैं, और इससे वाटर की जो नीड है वो भी कम्प्लीट हो रही है। तो आप अपने डॉग ब्रीड को जो है वाटरमेलन भी दे सकते हो, लेकिन सीड्स रिमूव कर देनी है, वो टॉक्सिक हो सकती है उसके लिए। नेक्स्ट आता है कि डॉग ब्रीड को वॉकिंग के लिए समर्स में कब ले जाए, कौन सा टाइम बेस्ट है? तो कभी भी दोपहर को या शाम को, शाम होते ही तुरंत ना ले जाए, क्योंकि दिन भर धूप के कारण जो रोड्स है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, डॉग ब्रीड के पॉज उसके कारण जल सकते हैं। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप ले जा सकते हो, और शाम को थोड़ा जब सूरज डूब जाए और थोड़ी देर हो जाए उसके बाद ले जाइए। इससे क्या होगा कि रोड ठंडे हो जाएंगे, उससे मतलब ज़्यादा गर्म फील नहीं होगा उसके पैर को, और वो आराम से वॉकिंग भी कर पाएगा। पानी का हो गया, वॉकिंग टाइम हो गया, उसके डाइट में कुछ फ्रूट्स और योगर्ट ऐड कर लिए, इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को तो मिलेंगे ही। साथ साथ उसकी ब्रशिंग पे ज़रूर से ध्यान दीजिए, क्योंकि समर्स में काफ़ी सारे डॉग ब्रीड को टिक्स की प्रॉब्लम होती है या फिर स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो रेगुलरली एक टाइम ब्रश करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एलर्जीज दिखे तो आप तुरंत इलाज करने ले जा सकते हो और जल्द से जल्द ठीक होगा। बढ़ गई प्रॉब्लम तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसका इलाज चालू रखना पड़ेगा, पैसे भी खर्च होंगे और डॉग ब्रीड को प्रॉब्लम भी होगी। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। याद रहे उसको जो खाना दे रहे हो वो अच्छा प्रोवाइड कीजिए। कुछ डॉग खाना कम कर देते हैं समर्स में धूप के कारण, तो आपको क्या करना है कि जो फूड है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, जैसे कि उसका फेवरेट देना स्टार्ट कर सकते हो, कुछ फ्रूट देना स्टार्ट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में अगर कम खा रहा है तो वो उसकी जो नीड होगी डेली विटामिन्स की, न्यूट्रिशंस की, वो कम्प्लीट होती रहेगी। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो आप अवॉइड कर सकते हो समर्स में, ये प्रॉब्लम्स थे उसके सॉल्यूशन भी मैंने बता दिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।